नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं सर। हैं सर, आपका नाम क्या है? मैं दुष्यंत सिंह यादव। दुष्यंत सिंह जी, आपकी एज कितनी है? 55 है सर। 55 की उम्र में आप ड्राइविंग सीख रहे हैं सर। तो करीब आपको कितने दिन हो गए? 7-8 दिन हो गए चलाते चलाते सर। 8 डेज है टुडे। अच्छा अच्छा, तो आप मुझे गाड़ी जो है इंजन स्टार्ट करके दिखाएंगे, कैसे करेंगे? पहले क्या क्या करना आपने? पहले हम लोग गियर चेक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। क्या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है सर। कैसे पता लगा आपको? क्योंकि सेंटर में है ये। सेंटर में है। और अब उसके बाद हमने क्लच को दबा के गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। आप करिए, इंजन स्टार्ट करेंगे। करिए, सभी लाइट ऑन हो गई है। हाँ ठीक है, देखेंगे सर। उसके बाद आगे घुमाएंगे चाबी को। चाबी घुमाएंगे? घूमी नहीं चाबी, दबा के इसके अंदर डाल के पूरा तब घुमाओ। क्लच नहीं दबाया शायद, लगता है आपने क्लच दबा रखा था। अब दबाया क्लच, अब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट। अब आपने अपनी हाइट के अनुसार सीट को सेट करना है। क्लच और ब्रेक आपके पैर ठीक जा रहे हैं या सीट को आगे करना है तो कर लीजिए। ये ऐसे इस पे हाथ रखें। तो हाँ, अब आगे खींच लो सीट को, जितना मर्जी और खींच लो चाहे। ठीक है, और खींचो थोड़ा सा। कम्फर्ट है? कम्फर्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? क्लच दबा के गियर लगाना है या ब्रेक दबा के गियर लगाना है? क्लच दबा के पहले क्लच दबाएंगे। हाँ, फिर गियर लगाएंगे। कौन सा गियर लगाएंगे? पहला लगाएंगे। लगाएं आप पहला गियर, लगाएं। क्लच पूरा दबा दिया ना? यस सर। लगाएं पहला गियर। अब क्या करना है? अब हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। क्लच छोड़ेंगे, उससे पहले एक्सीलेटर पे पैर जरूर रखें। एक्सीलेटर पे रखें, हल्का सा पैर एक्सीलेटर पे। बस ये ध्यान रहे दुष्यंत जी कि हमने गियर लगाते समय, क्लच दबाते समय, हैंड ब्रेक लगाते समय, एक्सीलेटर लेते समय या ब्रेक लेते समय नजर सामने रखनी, नीचे नहीं देखना एक पल भी। नीचे आपने देख लिया और गाड़ी आगे चल रही तो आगे हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब चलना शुरू करो, गाड़ी को चलाओ, हल्का सा रेस लेके धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। छोड़ना शुरू करना है, छोड़ना नहीं एकदम, छोड़ना शुरू करना है। जैसे गाड़ी हल्का सा आगे चल पड़े, हाँ चल पड़े गाड़ी, यहाँ क्लच को रोके रखो। बहुत अच्छे, वेरी गुड दुष्यंत जी। तो आपको क्लच का जो है आपने बहुत अच्छा जजमेंट ले रखा है। साइड में रखे गाड़ी, देखिए कहाँ जा रही गाड़ी, उधर सीधा करें। फटाफट फटाफट सीधा करें, स्टेयरिंग को पूरा घुमाएं ऐसे यूं। अब क्लच दबाएं, सेकंड गियर डाल दें। गुड। अब देखिए इतना ही गैप रखें, आगे ऑटो है ना। यस। ये करीब 5-7 मीटर दूर ऑटो चल रहे, इतना ही गैप रखें। नजदीक कभी भी गाड़ी नहीं लेके जाना इनके सीखते समय। अब वो गाड़ियां जा रही है, आगे स्पीड बढ़ गई उनकी, आप भी धीरे धीरे बढ़ा देंगे, स्पीड बढ़ाए चलते रहें। दोस्तों ये थे हमारे साथ दुष्यंत जी, जिनकी उम्र 55 साल पूरी हो चुकी है, और देखिए कितने अच्छे से जो है ड्राइविंग कर रहे हैं। और इन्होंने आज 8वां दिन है ना? 8वां दिन। जी जी, आज 8वें दिन में ये गाड़ी चला रहे हैं। काफी कॉन्फिडेंस आया सर। चलो थैंक यू। तो दोस्तों आप भी जो है ये देख सकते हैं, कई आदमी कहते हैं, कई बच्चे भी कहते हैं जी सर गाड़ी सिखा दोगे क्या हमें? नहीं यानी आप इनसे सीखिए, 55 साल की उम्र में गाड़ी ऐसे चला रहे जैसे कोई बच्चा चला रहा हो। मेरे को बोला था कोई कि आपको नहीं आएगी गाड़ी। अच्छा, किसी ने? हाँ, बोला एज हो गया अभी मत सीखो। एज उनको तो बताना, एज फैक्टर नहीं है। एज का कोई फैक्टर नहीं होता है, एज नहीं होती है। ठीक है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कुछ भी सीखे। और जितनी उम्र बढ़ती जाएगी एक्सपीरियंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये था हमारे साथ आज का जो प्रोग्राम, 55 साल की उम्र के दुष्यंत जी जो है गाड़ी चलाना सीख रहे हैं आपके सामने, और हम इनको ड्राइवर परफेक्ट भी बनाएंगे, ये भी हमारी गारंटी है। क्यों दुष्यंत जी? यस सर। आप संतुष्ट हैं? यस यस, आई एम हैप्पी, टोटली हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।